जिस दिन से लोकसभा सत्र शुरू हुआ है उस दिन से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसद संसद में जमकर हल्ला बोल रहे हैं और अपनी मांगों को बखूबी पेश कर रहे हैं। फिर चाहे वो राहुल कस्वा हो या राजकुमार रोत, विपक्ष बीजेपी को जमकर घेर रहा है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सोमवार को बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने लोकसभा में एक अलग ही मांग की। रोत बोले कि आदिवासी समाज अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसकी जनगणना के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। देश में धर्म की राजनीति का काम हो रहा है, समाज अब जाग गया है और उसे बहकाया नहीं जा सकता। सरकार ने खनन के लिए बड़ी कंपनियों को काम दिया है जो जंगल और पहाड़ों में खनन कर रही है, इससे आदिवासी समाज प्रभावित हो रहा है। राजकुमार रोत आगे बोले कि आदिवासी समाज जिस गांव में आजादी से पहले से बैठा हुआ है रह रहा है, उसको उस जमीन का पट्टा नहीं मिला। ये सत्ता की लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन हमें अपना अस्तित्व बचाना है। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें जल जंगल और जमीन बचाना है। जब देश में आदिवासी समाज जल जंगल की बात करता है तो उसे नक्सली और नक्सलीवादी कह देते हैं। रोत बोले कि हमें फ्री वाली योजनाएं नहीं चाहिए, हमें जल जंगल और जमीन दो, उसका मालिकाना हक दो, संविधान में जो प्रावधान किया है उसे धरातल पर लागू किया जाए। राजकुमार आगे बोले कि लंबे समय से मांग है कि आदिवासी समाज को अलग से धर्म कोड दिया जाए। 1871 से लेकर 1951 तक अलग अलग जनगणना हुई, आदिवासी समाज बटा हुआ है, कोई एक धर्म अपना रहा है तो कोई दूसरा धर्म, इससे उनकी पहचान खत्म हो रही है। लंबे समय से मांग है कि जनगणना में अलग से कॉलम होना चाहिए, हमें आदिवासी हैं और हमें आदिवासी रहने दिया जाए। तो वही मोदी सरकार के वो सांसद जो कभी मोदी सरकार के कसीदे पढ़ा करते थे, आज वही केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राहुल कस्वा की। कस्वा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर सरकार पे सवाल उठाए। सुनिए कस्वा ने क्या कुछ कहा। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूँ। 16वीं लोकसभा के अंदर भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लागू करी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। काफ़ी सांसद साथी जो पहले के हैं इस बात को समझे भी गए। इस आदर्श ग्राम योजना के अंदर एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया गया गाइडलाइंस के मार्फत, जिस गाइडलाइंस में दो वर्टिकल दिए गए थे कि गांव में डेवलपमेंट कैसे कराया जाएगा। गांव से निकलने वाली हर रोड डामर की होनी चाहिए, गांव के अंदर पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए हों, कम्युनिटी सेंटर्स हों। एक प्रॉपर विलेज डेवलपमेंट प्लान की बुकलेट थी मैम, उसी के अकॉर्डिंग एक VDP बनाई गई, इसका नाम था विलेज डेवलपमेंट प्लान। उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना था। एक एक पंचायत का जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बना वो 20 से 22 करोड़ रुपये से ऊपर का बना, और एक योजना को जब लागू किया गया तो लोगों में बड़ी खुशी का माहौल था कि इस बहुत अच्छा एक प्रोग्राम निकल के आया है और इस प्रोग्राम से गांव में विकास पहुंचेगा। धन्यवाद माननीय मैम। मैम एक मिनट भी नहीं हुआ मैम। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ ज्यादा भूमिका न बांधे। मैम बिना भूमिका के मैम को सुन ही नहीं रहा मैम, प्रॉब्लम ये आ रही है। भूमिका बंद थोड़ी जरूरी इस बात के लिए मैम कि ये विलेज डेवलपमेंट प्लान बनने के बाद में आज भी सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए फंडिंग का प्रावधान नहीं किया गया। 2024-25 के इस बजट सेशन के अंदर भी कोई भी प्रावधान नहीं है। मैम एक सेकंड लास्ट बात कहना चाहता हूँ मैम, अगर आज की तारीख के अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, 350 करोड़ रुपये की राशि मिलती है मनरेगा के अंदर और हम एक पंचायत में 125 से 150 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। अगर इस विलेज डेवलपमेंट प्लान को देखेंगे तो 25 करोड़ रुपये की लागत 25 साल में काम पूरा होगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सांसद आदर्श ग्राम को डेवलप करना है तो इसके लिए डिफरेंट बजट का प्रावधान रखा जाए और पंचायतों को मजबूती प्रदान करने के लिए बजट के प्रावधान करें, तभी गांव विकसित हो पाएंगे।